नगर परिषद कर्णावद, यह नाम आपको जरूर जाना पहचाना लगेगा, मगर क्या करें, परिषद के आलम ही कुछ ऐसे हैं कि यहाँ जो भी सीएमओ आता है वह सिर्फ समय व्यतीत करने या यूं कहें अपने दिन काटने ही आता है। इससे पूर्व भी नगर परिषद कर्णावद में हो रहे भ्रष्टाचार की खबरें दबंग न्यूज के द्वारा प्रमुखता से प्रसारित की गई थी, मगर अधिकारियों के कारों तक जू नहीं रहेंगे। आइए दिखाते हैं आप। जी हाँ, डैम हो रहे भ्रष्टाचार की खबर के बाद पूर्व सीएमओ ने जांच के आदेश तो दिए, मगर डैम की किस तरह जांच की जाए वह ठेकेदार और अधिकारी के संबंध को स्पष्ट करती है। यही नहीं, वर्तमान में पदस्थ प्रभारी सीएमओ रामचंद्र सोनेर, जिनके एक ही रटना के अनुसार उन्हें अभी सिर्फ 3 महीने ही हुए हैं, आधार पर अगर देखा जाए तो 3 माह में कोई विशेष कार्य नगर परिषद ने नगर में करवाए हैं, जिसका सीधा प्रमाण दबंग के कैमरे में कैद है, हम आपको दिखाएंगे। मामले को लेकर जब चर्चा पदस्थ प्रभारी सीएमओ से की गई तो पहले उनके धर्म ज्ञान को टीम को सुनना पड़ा, इसके बाद क्या कुछ कहा उन्होंने सुनी आप खुद। फिलहाल क्या है, हमारे पास टेंटिंग ग्राउंड की जगह उपलब्ध नहीं है, हमने इसके बारे में जो है एजेंट साहब से चर्चा की, तो जब जगह हमको उपलब्ध हो जाएगी तो हम टेंटिंग ग्राउंड के जरिए ये वो जो कचरा प्लांट भी डालेंगे जिसमें साफ बनेगा उसके अंदर, तो उसके लिए मैं संबंधित कार्य पूरी मेरे स्तर पर की है। जगह में लोगों ने अतिक्रमण कर लिया है, पूरी दवाई वगैरह खिंचाना गटर वगैरह में लिए वो सारे इंतजाम, इस तरह की अभी कोई भी व्यवस्था वहाँ पर नहीं देखी नहीं, ये तो ऐसा कुछ नहीं, हमने बराबर दवाइयाँ जलाई है और लोगों को भी बोला है कि भाई यहाँ पे किसी प्रकार की गंदगी न फैलाओ। इसके लिए क्या है कि मेरे पास 3 महीने हुए, मैंने उसके दरवाजे खिड़की और जो सीट है वो सारी व्यवस्था की, 2-4 दिन में लग गया, तो वो होता है साथ शिकायत का निराकरण किया मैंने, जिन लोगों ने भी जो शिकायत की उसका मैंने बराबर निराकरण किया और फोन पे उनसे चर्चा भी की, बुलाया उनसे, जब वो संतुष्ट हुए तभी तो सीएम हेल्पलाइन है। हम आपको कोई वक्तव्य या काव्य पाठ नहीं सुना रहे, जो दबंग के कैमरे ने कैद किया है वही हम आपको दिखा रहे हैं। नगर परिषद के हाल कुछ यूं है कि यहाँ सीएमओ के नदारद रहने के कारण अन्य कर्मचारी भी परिषद में बैठना पसंद नहीं करते, जिसके कारण आम जन को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। नगर में फैली अव्यवस्थता, ट्रेंचिंग ग्राउंड का नगर के बीच में होना, शौचालय का पूर्ण होना, जगह जगह गंदगी का अंबार, वार्ड नंबर 1 में बन रहे सीसी रोड में भ्रष्टाचार, ये सब हम आपको दिखा रहे हैं, मगर क्या इसके बाद प्रशासन जागेगा या कुंभकर्णी नींद से जागेगा, यह सब देखने और सोचने का विषय रहेगा। इस वक्त हम खड़े हैं बागली विधानसभा क्षेत्र के कर्णावद में, कर्णावद नगर पंचायत के द्वारा 54 लाख की लागत से एक डैम बनाया गया था, जिसकी खबर भी दबंग दुनिया के द्वारा प्रसारित की गई थी। गुणवत्ता को लेकर खबर को प्रसारित करना एक महा अहम मुद्दे का सवाल था, मगर उसके बाद भी यहां पर जागरूक लोगों के द्वारा शिकायत भी की गई थी, मगर बावजूद उसके यहां पर नगर पंचायत के द्वारा किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की गई। कार्रवाई की बात करें तो इसकी शिकायत SDM से भी की गई थी कुछ जागरूक लोगों के द्वारा, मगर उनके उन SDM के द्वारा भी यहां पर कार्रवाई नहीं की गई। यही नहीं, यहां पर जो डैम बनाया गया है वह भी अपूर्ण दशा में है। अपूर्ण दशा की बात करें तो यहाँ पर जिस तरह से चेयरों को भरना चाहिए था वह भी यहाँ पर नहीं भरी गई है, और दोनों साइड आप देख सकते हैं डैम के दोनों साइड इसी तरह की कंडीशन है। आप देख सकते हैं किस तरह यहाँ पर पानी में पत्थर पड़े हुए हैं, मगर इस चेयर को नहीं भरा गया है, जिसके कारण यहाँ पर नहाने वालों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और पत्थरों से चोट लगने का सामना भी कई मरतबा करना पड़ रहा है। इसकी तो ऐसा नहीं लगता कि ये डैम सही बना है या गलत बना है? अभी तो गलत है, तो ये जो बह गया है पानी में आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह लोगों का, नहाने वालों का जो कहना है कि यहाँ पर जो डैम बहा है वह नगर पंचायत की बेरुखी और नजरअंदाजी के कारण बहा है। इस वक्त हम खड़े हैं नगर पंचायत कर्णावद, कर्णावद बागली विधानसभा की उप नगर पंचायत में मानी जाती है, और बात करें यहाँ पर स्वच्छता अभियान की तो नगर पंचायत सीएमओ और कर्मचारियों के द्वारा यहाँ पर किस तरह स्वच्छता अभियान की धज्जियां उड़ाई जा रही है और कागजों पर ही साफ सफाई दिखाई जा रही है, उसका जीता जागता प्रमाण यहाँ के रहवासी आज आपको दिखाने जा रहे हैं। रहवासियों की बात करें तो यहाँ पर जो ट्रेंचिंग ग्राउंड बनाया गया है, ट्रेंचिंग ग्राउंड में जो भी कचरा नगर का जितना भी कचरा होता है वो यहाँ पर ट्रेंचिंग ग्राउंड में फेंका जाता है। ट्रेंचिंग ग्राउंड भी क्या कहें, यह एक उप मंडी है जहाँ पर यह कचरा नगर का पूरा फेंका जाता है। यहाँ पर रहवासियों की समस्या को अगर देखा जाए तो लोग इतने परेशान हैं कि जो आए दिन कचरा जलाया जाता है वह लोगों के घरों में उड़ कर जाता है, जिसके कारण कहीं ना कहीं आग लगने की भी आशंकाएं बनी रहती है। साथ ही जो
धुआं और गंदगी यहाँ पर जो फैली हुई है, जिसके कारण लोग अधिकांश बीमार रहते हैं, और इसकी शिकायत भी यहाँ पर कई मरतबा की गई है। शिकायत भी यहाँ 181 पे, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पे भी की गई है, मगर उसका निराकरण किस तरह किया गया है ये नगर पंचायत ही जानती है। हम बात करते हैं यहाँ के लोगों से कि यहाँ पर किस तरह उन्हें बदबू और गंदगी का सामना करना पड़ता है। बताया जाए यहाँ पर किस तरह बदबू और गंदगी का सामना करना पड़ता है आपको? सर परेशान है हम पूरा, ये जब हवा आंधी चलती है तो पूरा सब हमारे उधर घर की तरफ उधर उड़ के आती है, मच्छर, उसके बाद मच्छर, उसके बाद में बदबू इतनी खतरनाक आती है कि कोई खाना खाना भी हराम हो गया है। और इसके इसके इसकी शिकायत की आपने कभी? ये ना सर, पंचायत में कर दी हमने, उसके बाद में एप्लीकेशन पंचायत में भी दे दी, उसके बाद कलेक्टर साहब को देके आ गए। तो क्या निराकरण हुआ? कुछ भी नहीं हुआ सर, ये अभी यह किस तरह स्वच्छता अभियान की यहाँ पर धज्जियाँ उड़ाई गई है। हम महिलाओं से भी बात करते हैं कि आपको यहाँ पर किस तरह की परेशानी का सामना करना पड़ता है? सब परेशानी फिर हम तो मच्छर भी खाए, ढोर डंकर भी फेंकी जाए, सुअर भी फेंकी जाए, कुत्ता बिल्ली सब फेंकी जाए, सब कचरों गंदी वाड़ो। यही नहीं, नगर में मरने वाले मवेशी हो या जानवर हो, उन्हें भी मरी हुई लाशों को यहाँ पर फेंक दिया जाता है, जिसकी बदबू के कारण यहाँ पर लोग कितने परेशान हैं। और अभी की ताजा उदाहरण यह देखने को मिला है कि यहाँ पर कई घरों में लोग बीमार पड़े हुए हैं और जिन्हें अभी भी इलाज चल रहा है, और घरों में ही इलाज चल रहा है, क्योंकि यहाँ से स्वास्थ्य केंद्र की दूरी भी लगभग 15 से 20 किलोमीटर है, जिसके कारण घरों में ही इलाज कराना पड़ रहा है। हम बात करते हैं यहाँ पर, बताएं आपको किस तरह की समस्या का सामना करना पड़ता है। आपका घर यहाँ पर बनाते हैं तो लगाए अगरबत्ती लगाए, जैसे वह खाना बनाए तो खाए भी ऐसे ही, तो खूब मच्छर पड़ रहे हैं, खूब खा रहे हैं मच्छर, सब्जी में गिर जाते हैं। अभी 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 आपके यहाँ बीमारी से भी ग्रस्त है कुछ लोग, तो क्या कारण है उसका? ये मच्छर का कारण है, तो गंदगी गंदगी के मार तो बीमार हो गए बच्चे बच्चे मेरे। आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह लोग आरोप लगा रहे हैं नगर परिषद पर, यहाँ पर क्यों नगर पंचायत के कार्य शिथिल है और क्यों सीएमओ इस ओर ध्यान नहीं देते। बात की जाए सीएमओ की, तो यहाँ पर सूत्रों का कहना है कि नगर पंचायत में सीएमओ यदा कदा ही आते हैं और कार्रवाई कार्य करते हैं। अब यहाँ अंदाजा लगाया जा सकता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह कार्रवाई होती होगी नगर पंचायत की। कैमरामैन हेमंत के साथ रितेश राठौर, दबंग न्यूज के लिए देवास।